राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को निःशुल्क दूध मिलेगा। सीएम गहलोत ने आज वीसी के जरिए अपने आवास से बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को हर मंगलवार और शुक्रवार को दूध मिलेगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध जबकि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। मिल्क पाउडर से बना ये दूध प्रार्थना सभा के बाद दिया जाएगा। करीब 476 करोड़ रुपए योजना पर खर्च होंगे। सीएम गहलोत ने इस मौके पर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी शुरू की। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जाएंगे। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकने एवं पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करवाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि हम पहले अमेरिका से गेहूं की भीख मांगते थे, लेकिन देश आत्मनिर्भर बन गया है। राजस्थान अब शिक्षा का हब बन रहा है। पहले बच्चे दूसरे राज्यों में जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब प्रमुख संस्थाएं राजस्थान।